गृह मंत्री कार्यालय के पास एक साल में भी नहीं पहुंचा मंत्री देवनानी का पत्र। कोटपुतली के एक स्कूल में कार्यालय सहायक के फांसी के फंदे पर झूलने का है मामला। मृतक ने लगाया था देवनानी के निजी सचिव पर गंभीर आरोप। सुसाइड नोट में लिखा था, देवनानी जी के निजी सचिव ने लिए थे ट्रांसफर और पदोन्नति के नाम पर 16,50,000 रुपए। देवनानी ने कहा था गृह मंत्री को निष्पक्ष जांच के लिए लिखा है उन्होंने पत्र। अब आरटीआई में हुआ है खुलासा, ऐसा कोई पत्र गृह मंत्री कार्यालय के पास है ही नहीं। क्या शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने उस वक्त झूठ बोला है? क्या उन्होंने अपने निजी सहायक से जुड़े मामले में मीडिया को गलत बयानबाजी की? क्या देवनानी ने गृह मंत्री को निष्पक्ष जांच के लिए कोई पत्र नहीं लिखा था? अगर लिखा था तो गृह मंत्री कार्यालय तक वो क्यों नहीं पहुंचा? ऐसे कैसे संभव है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री को सरकारी पत्र लिखे और वो ना पहुंचे? देवनानी का लिखा पत्र गृह मंत्री के पास क्यों नहीं पहुंचा? यदि पहुंचा है तो क्या आरटीआई कार्यकर्ता को मिली जानकारी गलत है? और अगर आरटीआई के तहत मिली जानकारी सही है तो फिर क्या देवनानी ने गृह मंत्री से निष्पक्ष जांच के लिए लिखे जाने वाले पत्र के लिए झूठ बोला है? ये सारे सवाल खड़े हुए हैं एक आरटीआई से। हालांकि उनके निजी सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और देवनानी से उनके संबंध की पुलिस जांच हो चुकी है। यह मामला भी कई बार उठ चुका है, लेकिन इस मामले में नया यही है कि गृह मंत्रालय ने आरटीआई से जुड़े एक सवाल के जवाब में लोक सूचना अधिकारी ने 26 मई 2017 को साफ लिखा है कि शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी द्वारा क्रमांक R1177 से संबंधित कोई पत्र गृह मंत्री कार्यालय को नहीं मिला है। पहले जानते हैं मामला क्या है। सन 2016 में कोटपुतली के प्रागपुरा क्षेत्र के दातिल गांव की सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में कार्यालय सहायक दिनेश शर्मा द्वारा उस स्कूल के ही एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। मृत दिनेश शर्मा से एक सुसाइड नोट भी मिला था। इस सुसाइड नोट में दिनेश शर्मा ने शिक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव शिवशंकर शर्मा पर ट्रांसफर और पदोन्नति के लिए उससे 16,50,000 रुपए लेने की बात कही थी। इस मामले में मंत्री देवनानी का नाम आने के बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया। मृतक ने उप निदेशक कार्यालय में कुछ कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद देवनानी ने 28 मई 2016 को एक विज्ञप्ति जारी कर मीडिया को बताया था कि उन्होंने गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को अर्धशासकीय पत्र लिखकर दिनेश शर्मा के आत्महत्या करने के मामले में निष्पक्ष जांच करने का निवेदन किया था। देवनानी ने इस पत्र का क्रमांक 2016 R1177 बताया था। देवनानी के इस बयान के बाद राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पंडित सुदामा शर्मा ने एक आरटीआई लगाकर यह जानना चाहा कि मंत्री देवनानी के इस पत्र पर गृह मंत्री कार्यालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। जब सुदामा को सूचना विभाग से उनकी आरटीआई का जवाब मिला तो वह दंग रह गए। लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव गृह सुरक्षा विभाग ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री कार्यालय में व्यक्तिगत जानकारी करने पर पाया कि मंत्री देवनानी द्वारा लिखा गया पत्र होना पाया ही नहीं गया है, यानी कि ऐसा कोई पत्र लिखा ही नहीं गया है। आरटीआई के जवाब की माने तो दो ही बातें सामने आती है, या तो देवनानी में पत्र लिखा ही नहीं, या फिर लिखा था लेकिन वो गृह मंत्री कार्यालय तक पहुंचा ही नहीं। जो भी है, मंत्री देवनानी से होराइजन हिंद न्यूज ने इस आरटीआई के बारे में बात की तो देवनानी ने कहा आरटीआई कोई भी लगा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा इस मामले में पुलिस जांच पूरी हो चुकी है। 2016 के अंदर कोटपुतली क्षेत्र के पावटा गांव में दातिल गांव के अंदर एक कार्यालय सहायक जिस प्रकार सुसाइड करता है और मंत्री के PSI उन सभी नामों की जो FIR दर्ज हुई उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मंत्री ने 2016 मई के अंदर 25 मई 2016 के अंदर ये कहा कि मैंने एक गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि मेरी निष्पक्ष जांच कराई जाए मेरे इस कार्य की, लेकिन जब मैंने सूचना के अधिकार में ये मांगी तो आज मुझे ये सारी स्थितियाँ सामने आ रही हैं
कि ऐसी कोई चिट्ठी उन्होंने नहीं दी जिस प्रकार उन्होंने कहा, तो ये एक और झूठ है। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में मंत्री महोदय कहीं ना कहीं लिप्त हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि वह ऐसा ना करें कि मंत्री के प्रभाव में जांच नहीं करें, आम जनता को उसका जवाब आप लोगों को आगामी चुनाव में देना होगा और निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए।